मामा जी मुझे दर्द हो रहा है। स्वामी ये कीर्तिमान के लिए कैसा लग रहा है? ये लीजिए स्वामी। नेत्रों के सामने अपनी संतान की हत्या होते हुए देखना कितना पीड़ादायक रहा होगा ये दृश्य। किंतु प्रभु यदि देवर्षि नारद कंस के हृदय में संदेह का बीज न बोते तो कंस ऐसा कभी नहीं करता, तो फिर उसे उकसाए क्यों देवर्षि ने? आप भूल गए देवराज, समस्त संसार में जो भी होता है मेरी इच्छा अनुसार ही होता है। यही प्रश्न नारद ने भी मुझसे पूछा था। नारायण नारायण। छोटे से बालक की इतनी निर्मम हत्या और माध्यम बना मैं, प्रभु ये कैसी लीला है आपकी? अभी तो देवकी की पांच और संतानों की हत्या होना शेष है नारद। अब से कंस शिशुओं के जन्म लेते ही उनकी हत्या कर देगा। यदि जन्म के तुरंत बाद ही मृत्यु होनी है तो जन्म का लाभ ही क्या है प्रभु? यही विधि का विधान है नारद। कीर्तिमान और शेष पांचों बच्चे श्रापग्रस्त हैं। जन्म के कर्मों के अनुसार अल्पायु होना उनकी नियति है। उनकी मृत्यु के बाद ही शेषनाग के अंश के रूप में बलराम और मेरे अंश के रूप में श्री कृष्ण का अवतार संभव होगा। नारायण नारायण। देवकी के पुत्र एक के बाद एक जन्म लेते रहे और उनकी हत्या कर कंस अपने पापों की संख्या में वृद्धि करता रहा। अब उसकी क्रूरता की कथा ऐसे मोड़ पर आ पहुंची जहां से वापसी असंभव है, क्योंकि अभी अभी उसने देवकी के छठे पुत्र का वध कर दिया है। हे प्रभु कितना दुर्दांत है ये कंस। किंतु एक ही जन्म में एक साथ दो माताओं का पुत्र बनने में उसने आपकी सहायता कैसे की प्रभु? उसके भय ने उससे ये कार्य सहज ही करवा दिया देवराज। जन्म लेते ही माता देवकी के सभी पुत्रों की हत्या कर उसने मुझे विवश कर दिया है। अब जीवित रहने के लिए मेरे अवतार को माता देवकी की कोख से जन्म लेने के तुरंत बाद मैया यशोदा के पास गोकुल जाना ही होगा। और इस प्रकार कंस के कारण एक ही जन्म में दो माताओं का पुत्र बनने का आपका वचन सत्य सिद्ध होगा। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। आप सब अब निश्चिंत होकर जाइए, मेरे अवतार के जन्म होने की घड़ी अब निकट ही है। हम धन्य हुए प्रभु। धन्य हुए प्रभु। मुझे तो अभी से मैया यशोदा के साथ आपको खेलते हुए देखने की उत्सुकता हो रही है। उनकी प्रवृत्ति कितनी निराली है,
क्रोध ना करूं तो क्या करूं? देखिए इसकी सतानी, फिर चला गया सुलक्षणा के बगीचे में फूल खाने। और आपको तो पता है ना सुलक्षणा का, इतनी सी त्रुटि हो जाए पूरे गांव में बखान करने में कोई कमी ना रखती। और जय की, अरे जब ग्वालिनों को पता चलेगा तो क्या कहेंगी? यही ना कि जसोदा अपने बच्चे को खाना ना देती, भूखा रखे है। सुनो जी, मैं तो कहती हूँ अब ब्याह करा देते इसका। अब वो ही ध्यान रखेगी इसका, केवल पत्नी सुधार सकती है तुझे। तुम इसके बारे में बात कर रही हो कि मेरे बारे में? नहीं, वैसे सारे गोकुल वाले यही कहते हैं कि हमारे घर पर तुम्हारा ही राज चलता है। हे नारायण, ये परिहास की बात है क्या? मैं इतना दबा के रखती हूँ क्या आपको? यशोदा, हास की बात थी, रामू के कारण मुंह से निकल गई। तुझसे तो मैं बात ही ना करूंगी, कर अपने मन की। पता है तुझे, मुझे कितना क्रोध आता है जब तू ऐसे बिना बताए घर से चला जाता है। प्रेम है जे मेरा, चिंता है मेरी, तुझे कुछ हो जाए तो अपना लल्ला माना है तुझे। मेरे भाग्य में तो आमन्ना लिख ही ना है। यशोदा, आपको पता है जब मैं छोटी थी इसके जैसी चंचल थी। गांव वाले कहते थे एक बार बड़ी हो जाएगी अपने आप ठहराव आ जाएगा, ना आयो। फिर बड़े बूढ़े कहने लगे चिंता की कछु बात ना है, एक बार शादी हो जाएगी सब ठीक हो जाएगा, ना हो। फिर सबन ने कही एक बार बालक हो जाने दो, गोद भर जाएगी अपने आप परिपक्व हो जाएगी। पर गोद तो भरी ना मेरी, बालक तो हुआ ही ना। उस पर जब जे भी भाग जाते हैं तो मुझे रह रहे के यही स्मरण होता है कि कमी मुझ में ही है, मैं ही किसी बात का ध्यान न रख पाती। संभव है यही कारण से नारायण ने बालक ना दियो मुझे, यदि देते तो बहुत बुरी मैया बनती मैं। यशोदा, क्या हो गया तुम्हें? कहां की बात कहां लेकर जा रही हो तुम? बालक अवश्य होगा हमें, और बहुत अच्छी मैया बनोगी तुम। बस नारायण सही समय की प्रतीक्षा कर रहे। मेरी तो ना सुन रहे, आप ही कह दियो उनसे अब और प्रतीक्षा ना होगी मुझसे। प्रतीक्षा तो अब मुझसे भी नहीं हो रही मैया। तो फिर मैया की इच्छा पूरी कीजिए प्रभु। जिस क्षण की प्रतीक्षा मुझे इतने वर्षों से थी, बस अब वो निकट है। किंतु प्रभु, आपको तो माता देवकी का आठवां पुत्र बनकर जन्म लेना है, तो फिर सातवां पुत्र? धीरज रखिए, धीरज। आपको तो ज्ञात ही है मेरे यहां देर है, अंधेर नहीं। मैं यहां तुम दोनों पर आश्रित हूं यशोदा। भोजन, सुरक्षा, परिवार का अपनापन सब कुछ दिया है तुमने मुझे, किंतु मेरा दुख मुझे एक क्षण भी चैन लेने नहीं देता।
मेरे स्वामी और बहन देवकी कितने ही वर्षों से कंस की काल कोठरी में बंदी है। दिन रात नियति के श्राप को सहन करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है उनके पास। ऐसे में मैं सुख की सांस कैसे लूं? कीर्तिमान की हत्या के बाद मेरी सुरक्षा के लिए मेरे स्वामी ने मुझे यहाँ भिजवा दिया चुपचाप, किंतु मेरा हृदय तो वही छूट गया यशोदा। इससे तो अच्छा होता कि मैं भी उसी कारागार में होती, मेरे स्वामी और बहन देवकी का दुख तो साझा कर पाती। अपनी 6 संतानों को कंस के हाथों मृत्यु के गोद में जाते देखा है उन्होंने। अब तो मुझे उस क्षण की कल्पना से भी डर लगने लगा है जब देवकी अपने 7वें पुत्र को अपने गर्भ में धारण करेगी। भय से भविष्य नहीं टलता, होनी होकर ही रहती है। समय बीता और देवकी के गर्भ में 7वें पुत्र का आगमन हुआ। क्या इसका भी भविष्य वही होगा जिसके भाइयों का हुआ था? इस बंदी गृह की दीवारें, प्रत्येक ईंट, प्रत्येक पत्थर, यहां तक कि यहां की वायु भी उस कंस की बंदी है। अब तक तो उसे सूचना भी मिल चुकी होगी। वो निर्दयी क्रूर प्रतीक्षा कर रहा होगा कि कब तुम्हें प्रसव हो और कब उसकी तलवार हमारे नन्हे शिशु, हमारी 7वीं संतान का रक्त पिए। दुर्जन, तुम देवकी की काल कोठरी के बाहर स्वयं उपस्थित रहोगे, प्रत्येक पल 8ों प्रहर। जैसे ही शिशु पहली श्वास ले, तुम मुझे सूचित करोगे। अवश्य महाराज, आज्ञा दें। कुछ कीजिए स्वामी, कुछ कीजिए। मैं नहीं चाहती कि ये अपनी प्रथम श्वास मिले। देवकी, विवशता से मेरा कलेजा भी फटा जा रहा है, किंतु इस काल कोठरी में बंद मैं कर ही क्या सकता हूं? किंतु इस सृष्टि के पालनहार, जगत के नियंता श्री हरि तो कर सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं करते वो कुछ ऐसा कि कम से कम मेरी इस संतान का अंत उतना दुखद ना हो जैसा अन्य संतानों का हुआ था। क्यों नहीं करते वो कुछ हरे, क्यों नहीं करते? बताइए ना स्वामी, क्यों नहीं करते वो, क्यों नहीं करते? जो देवी भविष्य में मेरी मां बनने वाली है, उनकी करुणा भरी पुकार को मैं व्यर्थ कैसे जाने दे सकता हूं? कंस के राक्षस तत्व के अंत के लिए ऐसी माया की आवश्यकता है जो मेरी लीलाओं को क्रियान्वित भी कर दे और उसे भनक भी ना पड़े। ऐसी क्षमता और माया किसके पास है प्रभु? आज्ञा दीजिए प्रभु।
माता देवकी का गर्भपात करके उस संतान को रानी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कीजिए देवी। माया ने अपना कार्य पूर्ण किया। सुबह सूर्य की रश्मियां देवी रोहिणी को ऐसा संदेश सुनाएंगी जिसे सुनकर वो प्रसन्नता से झूम उठेंगी। यादव कुल के नए राजकुमार के आगमन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं रानी। मैं माँ बनने वाली हूँ यशोदा, सुना तुमने? चिच्ची, मैं माँ बनने वाली हूँ यशोदा। मैं तेरे संभाल के जीजी चिकार कर रही हो। बधाई हो चिच्ची, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। विधि का विधान भी विचित्र होता है। रोहिणी जिनका ये पुत्र नहीं है वो प्रसन्न है, किंतु देवकी जिनका ये पुत्र है वो व्याकुल है। क्या हुआ देवकी, तुम ठीक तो? मामी, मामी मेरा पुत्र, मामी हमारा पुत्र चला गया। स्वामी, हमारा पुत्र चला गया। धीरज धरो देवकी, संभव है
यही श्री हरि की इच्छा हो। किंतु मैंने उनसे ये तो नहीं मांगा था ना स्वामी, मैंने कहा था हमारा पुत्र यहाँ श्वास न ले, इसका ये अर्थ नहीं था। क्यों किया नारायण ने ऐसा, क्यों किया? ये सत्य है महाराज, राजकुमारी देवकी का गर्भपात हो गया है। बच गया वो शिशु। किंतु यदि मेरे हाथों उसकी मृत्यु होती तो अधिक कष्ट होता उसे। सुख में समय पंख लगाकर उड़ता है। शीघ्र ही रोहिणी के प्रसव का दिन आ पहुंचा और उसने एक स्वस्थ और सुंदर बालक को जन्म दिया। लो जी, संभालो अपने लल्ला को, जी भर के निहार लो इसे। पुत्र राजकुमार, अच्छा जीजी, मैं तनिक इनको भी सूचना देकर आती हूँ। वसुदेव भैया तक भी तो जी शुभ समाचार पहुंचानो है। राजकुमार कौन है? हाँ, गोकुल का राजकुमार है। हाँ? गोकुल का राजकुमार है मेरा बच्चा। बल तो इतना है कि पूछो ही मत। आप एक बार उंगली पकड़ लेना तो उसके बाद छुड़ाना अत्यंत कठिन हो जाता है। और दृष्टि, दृष्टि ऐसी कि एक बार में मन मोह ले। भगवान श्री राम की भांति सबको प्रसन्न रखतो है। बस बस, तो फिर उसका नाम बल बल राम रखना। तो फिर उसका नाम बल राम रखना। देवकी बधाई हो, तुम छोटी मां बन गई। भैया आप दोनों कछु चिंता ना करियो, बलराम का लालन पालन मेरा उत्तरदायित्व है। उसे कछु कमी ना होने दूंगा मैं। मुझे चलना चाहिए। कितने वर्षों बाद तुम्हारे कारण शुभ समाचार मिला है हमें। श्री नारायण हमेशा तुम पर कृपा बनाए रखे। बहुत बधाई हो स्वामी। देवकी क्या हुआ? कुछ नहीं, रोहिणी दीदी ने आपको वो सुख दे दिया जो मैं कभी ना दे सकी। उन्होंने आपको संतान दे दी, किंतु मैं देवकी, इस समय जो व्यथा माता देवकी की है वही पीड़ा माता यशोदा की भी है। माता देवकी की ममता अपनी सभी संतानों को खोने की वेदना से त्रस्त है, तो माता यशोदा की ममता संतान ना होने के संताप में झुलस रही है। सत्य कहा देवी, मुझे आभास हो रहा है मैया यशोदा का हृदय
मुझे अपनी गोद में खिलाने के लिए कितना व्याकुल है। सच्ची श्रीहरि, सच्ची मैं प्रसन्न हूं मैं कि आपके आशीर्वाद से रोहिणी चिची को इतना प्यारा लल्ला हुआ है। पर मुझसे क्या त्रुटि हुई नारा है? मुझे क्यों न दियो आपने लल्ला? मुझसे क्या त्रुटि हुई नारा है? मुझे क्यों न दियो आपने लल्ला? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.